सीएससी आईडी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। उसको जब करवा लीजिएगा तब आप लोगों को जल्दी सीएससी आईडी मिल सकता है। तो वही हम आज आप लोगों को बताने वाले थे कि सीएससी आईडी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो आज जो है हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सीएससी जो है हमने जो अप्लाई किया हुआ था, मेरा सीएससी जो आईडी आ चुका है। बहुत दिनों के बाद जो मैक्सिमम 11 से 12 महीना लगे, समथिंग एक साल लगता है, आ चुका है। वही हम आज जो है आप लोगों को कुछ प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से मेरा आईडी आया हुआ है। जब हमने इसे पिछले साल 2021 में दिसंबर या नवंबर में जो है अप्लाई किया हुआ था, उसका भी हम वीडियो बनाए हुए यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो है उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा, उससे आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के बाद आप लोगों को दिखाएगा कि अभी वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है कि पेंडिंग है। तो वही जो है हम आज आप लोगों को प्रोसेस कुछ बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो जब आप लोग जो है इसको अप्लाई कर दीजिएगा सीएससी के लिए, कुछ दिन बाद समथिंग 4 या 5 महीने के बाद आप लोगों को जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग जो है अप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये जानकारी पता करना होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का सीएससी मैनेजर कौन है, उससे आप लोगों को संपर्क करना होगा। और उससे पहले संपर्क करने से पहले आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली बना लीजिएगा, वो भी 6 से 7 दिन में आपको बन जाएगा। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बना लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को डीएम से संपर्क करना है। वो कैसे संपर्क कर कीजिएगा तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं कि वहाँ जो है इस डिस्ट्रिक्ट का सीएससी मैनेजर कौन है। जब वहाँ से आप लोगों को नंबर मिल जाएगा तो उसको आप लोगों को कॉल करना है। कॉल करके आप लोगों से पूछना है कि सर मैंने सीएससी जो अप्लाई किया हुआ तो अभी फिलहाल में मेरा पेंडिंग बता रहे कि क्या इशू है। तो वो आप लोगों को बताएंगे कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, तो जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते समय आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, बैंक डिटेल लगता है और जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट साथ में लगता है, वही डॉक्यूमेंट उनको आपको प्रोवाइड करना है यानी भेजना है। मुझको उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी तो अगर ऐसे बात कीजिएगा, बोलेंगे सर किसी प्रकार से आप कर दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है, तो बोलेंगे आप जो है डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। आप क्या कीजिएगा, उसको व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल जितना भी होता है सब उसको सेंड कर दीजिएगा। जब उसको आप सेंड कर दीजिएगा तो कुछ दिन बाद वो आपको बता देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है डिस्ट्रिक्ट से। आपको जो है स्टेट मैनेजर जो होता है सीएससी का, उसको भेज दिया गया है। तो वहाँ जब हो जाएगा, तो जब स्टेट मैनेजर को भेज दिया जाता है तो उससे 2 से 3 महीना बाद आपका सीएससी आईडी आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अगर नहीं वेरीफाइड किया है डॉक्यूमेंट तो आपका साल से भी प्लस लगता है, ज्यादा दिन। सीएससी आईडी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। उसको जब करवा लीजिएगा तब आप लोगों को जल्दी सीएससी आईडी मिल सकता है। तो वही हम आज आप लोगों को बताने वाले थे कि सीएससी आईडी कैसे मिलता है। तो उसके लिए आप लोगों को प्रोसेस हम बता दिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करने के बाद वही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देगा और आगे आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा स्टेट मैनेजर के पास कि आपका सीएससी आईडी जल्द से जल्द आ जाए। बस जब इतना हो जाता है तो आप लोगों को सीएससी आईडी बहुत ही जल्द मिल जाता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने सीएससी आईडी अप्लाई कर दिया है, अब ये जैसे तैसे अपना आ जाएगा, तो आप लोगों को बहुत टाइम लग सकता है। फिर उसमें आप लोग कितना दिन भी, मैक्सिमम साल से भी प्लस लग जाएगा, फिर भी चांस नहीं रहता है आने का, साल डेढ़ साल लग जाता है। इससे बेहतर रहता है कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आप उसको छोड़ सकते हैं, तो आसानी से आपका जो है आ जाएगा। तो यही हम आज आप लोगों को प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से हम सीएससी आईडी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरा सीएससी आईडी आ चुका है, मैं कुछ वीडियो क्लिप उसका डाल दूंगा कि पासपोर्ट हम कैसे चेंज करते हैं, किस पर तक कोई वेरीफाइड नहीं हुआ। तो उसने जो है लिख के मुझे रिप्लाई दिया था कि आपका जो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, स्टेट मैनेजर को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो उसके बाद मैंने ओके सर लिख इसको छोड़ दिया। तो आज जब मैंने सुबह मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो मैंने यहाँ देखा कि उसने डन लिख के भेज दिया। तो हम सोचे हो सकता है कुछ इशू हो, तो हमने क्या किया इसको फिर से, चलिए मैं यहाँ से चेक करने के लिए आता हूँ। तो जब मैंने यहाँ से जो चेक किया आईडी चेक कर, जब मैंने यहाँ से इसको सबमिट करके चेक किया तो यहाँ देख सकते हैं अकाउंट इज क्रिएट, यानी कि मेरा सीएससी आईडी जो है क्रिएट हो चुका है। जब मैंने इसको देखा तो बहुत खुशी हुआ
कि हमें जो कई दिनों के बाद यानी कई महीनों को इंतजार करने के बाद जो मेरा CSCIT अप्रूवल हो गया। हम आगे बताते हैं कि हम पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं या आगे के वेरिफिकेशन सब किस प्रकार से होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं चले जाता हूँ CSC लॉगिन आईडी पे। यहाँ पे आप लोगों को जो है वेरीफाइड करना है। क्या वेरीफाइड करना है कि पासवर्ड जो है मुझे कैसे क्रिएट करना है, तो वही करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट अटैच कर देते हैं। चलिए मैं अपना फिंगरप्रिंट, हमने जो है यहाँ अपना फिंगरप्रिंट अटैच कर दिया। और CSC आईडी देखिए यहाँ पे हम कुछ चलिए फॉरगेट पासवर्ड या कुछ पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से CSC आईडी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना कैप्चर कोड डाल देते हैं। कैप्चर किए देख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जब सबमिट कीजिएगा तो ये प्लीज वेट ले रहा है कुछ, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा वेट कर लेना है। यहाँ पे वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन लेने के लिए यहाँ पे आ चुका है कुछ। यहाँ पे आधार एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है, तो चलिए वो भी हम वेट कर लेते हैं, हो सकता है ये लंबा वीडियो बन जाए। तो यहाँ से आप लोग इस पर क्लिक कर देना है, फिंगरप्रिंट स्टार्ट कैप्चर कर देना है। कैप्चर पर कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को मोरफो बोलेगा अटैच करने के लिए, और इसके बाद फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली ये मेरा हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो चुके हैं। तो सबसे पहले चलिए हम अपना आईडी कार्ड देख लेते हैं कैसा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि PDF करने के बोले, फिलहाल हम इसको नहीं करते।